प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपवर्त और अपवर्तक। बच्चों, अपवर्त और अपवर्तक दो अलग चीज़ें हैं। वैसे तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही सरल हैं, लेकिन कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें पता होने के बाद भी हम नहीं बता पाते कि अपवर्त कौन सा है और अपवर्तक कौन सा है। तो यहाँ हम इस वीडियो में इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही सरल भाषा में इसको सीखेंगे, जिससे कि आगे आप कभी भी कंफ्यूज ना हो कि अपवर्त और अपवर्तक क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, अपवर्त को गुणज भी बोला जाता है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। मल्टीपल मल्टीप्लाई से बना है, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। गुणा तो आप सभी करना जानते ही हैं। तो आइए इसको एक संख्या के उदाहरण से सीखते हैं। बच्चों, मान लिया हमने लिखा है यहाँ पे 3। तो 3 में अगर किसी भी संख्या से गुणा कर देते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा? इस 3 का अपवर्त यानी कि गुणज प्राप्त होगा। तो 3 की गुणा मान लीजिए हम 2 में कर देते हैं, तो 3 × 2 = 6, हमको 6 मिला। तो बच्चों, 3 की 2 से गुणा करने पे हमको 6 मिला, यानी कि 6 जो है वो 3 का अपवर्त है, यानी कि गुणज है या मल्टीपल है। इसी तरीके से मान लीजिए बच्चों, हमने एक संख्या 4 ले ली, 4 में हमने गुणा किया है 7 से, ठीक है। तो 4 × 7 = 28 होता है। तो इस 4 का 28 जो है वो अपवर्त है। 4 में हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से किसी भी संख्या की गुणा कर सकते हैं और प्राप्त होने वाली संख्या अपवर्त मिल जाएगा 4 का। इसी तरीके से और एक संख्या देख लेते हैं। मान लीजिए हम एक संख्या ले लेते हैं 11। अब हमको 11 का एक अपवर्त बताना है। तो 11 का अपवर्त क्या होगा बच्चों? 11 में किसी संख्या से गुणा कर लेते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया है 5, तो 11 × 5 = 55। तो 11 का एक अपवर्त हो गया 55। बच्चों, ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक ही एक अपवर्त निकालें, हम इनके कई अपवर्त निकाल सकते हैं। जैसे हमने पहला उदाहरण 3 लिया था, 3 का एक अपवर्त हमने लिखा था। अब हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमको 3 के 5 अपवर्त निकालने हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, 3 × 2 जैसे हमने लिखा हुआ था, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21। इस तरीके से कितने भी अपवर्त हम लिख सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही सरल भाषा में अगर कहें तो किसी भी संख्या का पहाड़ा उस संख्या के अपवर्त को ही बताता है। जैसे बच्चों, 5 का पहाड़ा अगर हम लिखते हैं तो 5 का पहाड़ा क्या है? 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 20, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, इस तरीके से। तो ये जो सभी संख्याएं हमको मिल रही हैं, ये सभी संख्याएं इस 5 की अपवर्त हैं, ठीक। अपवर्त यानी गुणज यानी कि मल्टीपल्स, ठीक। अब बच्चों हम लोग देखते हैं अपवर्तक क्या होता है। बच्चों, अपवर्तक को हम गुणनखंड भी बोलते हैं और इंग्लिश में इनको फैक्टर बोलते हैं। इसके नाम से ही पता लग रहा है, फैक्टर या गुणनखंड यानी कि टुकड़े, ठीक है। मान लीजिए बच्चों, हमने एक संख्या ले ली यहाँ पे 12, ठीक। तो इस 12 के हम कितने टुकड़े कर सकते हैं, यानी कि 12 कौन सी संख्याओं से विभाजित हो सकती है? बच्चों, ये 12 जिन संख्याओं से विभाजित हो सकता है वो सारी संख्याएं इस दी हुई संख्या 12 के अपवर्तक होंगे, यानी गुणनखंड होंगे, या इंग्लिश में कहें तो फैक्टर होंगे। एक से, क्योंकि बच्चों सभी संख्याएं विभाजित होती हैं, तो एक तो सभी संख्याओं का अपवर्तक है ही। फिर 12 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 3 से भी विभाजित हो जाता है, 3 × 12, 4 से भी विभाजित हो जाता है, 4 × 3 = 12, 5 से नहीं होता है, 6 से भी हो जाता है, 6 × 2 = 12, और इसके बाद फिर 12 से ही होता है, 12 × 1 = 12, ठीक है। इसी तरीके से 15 के चलिए अपवर्तक निकालते हैं, 15 1 से विभाजित हो जाएगी, 2 से नहीं होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी, 4 से नहीं होगी, 5 से विभाजित हो जाएगी, फिर इसके बाद और किसी संख्या से नहीं होगी, फिर सिर्फ 15 से ही होगी जाके। तो इस 15 के अपवर्तक जो हैं वो 1, 3, 5 और 15 हैं। तो उम्मीद है बच्चों, ये सब आपको अपवर्त और
अपवर्तक समझ में आ गए होंगे। बहुत ही आसान है बच्चों, कभी भी कंफ्यूज मत होइए। अपवर्त अगर कह रखा है तो हमें गुणज यानी कि मल्टीपल्स निकालने हैं, और अगर अपवर्तक पूछा है तो हमें उसके गुणनखंड या फैक्टर्स निकालने, यानी कि उस संख्या के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। ठीक, तो अब बच्चों आपको हम होमवर्क दे रहे हैं। ये आपका होमवर्क है, दी गई संख्याओं के 5-5 अपवर्त लिखो। तो आपको जो संख्या दी गई हैं 2, 5, 6, 7, तो आपको 2 के 5 अपवर्त लिखने हैं, 5 के 5 अपवर्त लिखने हैं, 6 के 5 अपवर्त लिखने हैं, 7 के भी 5 अपवर्त लिखने हैं। और नीचे दूसरा क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं के गुणनखंड लिखो। तो बच्चों आपको 10 के सभी गुणनखंड, 14 के सभी गुणनखंड, 25 के सभी गुणनखंड और 28 के सभी गुणनखंड अपनी कॉपी पर लिखने हैं। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।